महानगर में लगातार हो रही मोबाइल चोरी पर लगाम कसते हुए पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए भारी संख्या में एंड्रॉयड मोबाइल सेट बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए आकी गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान झारखंड प्रांत साहबगंज जनपद के थाना राजमहल निवासी विकास कुमार पुत्र खट्टू मल महतो, रवि महतो पुत्र स्वर्गीय रतन महतो, सोनू कुमार पुत्र स्वर्गीय जीतराम, राहुल कुमार पुत्र छोटू महतो, श्री कृष्ण कुमार पुत्र टुनटुन महतो के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने 12 लाख रुपए कीमत की 86 मोबाइल सेट, एक स्कूटी, एक पल्सर मोटरसाइकिल तथा 720 रुपए नगद बरामद किया है। कैंट थाने घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंट प्रभात राय ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त भीड़भाड़ वाले इलाके में लोगों को चकमा देकर मोबाइल चुरा लिया करते थे। उन्होंने बताया कि ये लोग महानगर में ही किराए का मकान लेकर रहते थे और घटना का अंजाम देते थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट प्रभात राय ने बताया, बात करिए लंबा चलिए आपके साथ संबंध बना ले चले जाए उन्हें छोड़ दे इस टाइम पे। हाँ ये फोटो ले हमारे ये इंस्पेक्टर कैंट रवि राय और चौकी इंचार्ज विनोद कुमार सिंह और चौकी इंचार्ज रेलवे धनंजय कुमार राय और थाने के अन्य सब इंस्पेक्टर एवं सिपाहियों की टीम ने कल रात जो है ये एक गिरोह पकड़ा है जो 5 लोगों का गिरोह है और ये 5 लोग जो है ये सिटी के क्षेत्र में मोबाइल चोरी की घटनाएं और लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनका बेसिकली पेशा ये है कि ये लोग मतलब जेब से और मतलब पैंट की जेब से या आगे के शर्ट की जेब से मोबाइल को चुरा लेते हैं और उस सारे मोबाइल को इकट्ठा करके अदर स्टेट में या अदर जगह पे भेजते हैं। ये सारे लोग 5 लोग झारखंड के रहने वाले हैं। इन लोगों से लगभग 86 मोबाइल जो है विभिन्न कंपनियों के और इसके अलावा एक मोटरसाइकिल पल्सर और इसके अलावा जो है एक स्कूटी बरामद हुई है। इनकी गिरफ्तारी रेलवे स्टेशन कैंट थाना अंतर्गत हुई है और ये अब सिटी के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में जो है जहाँ पे देखते हैं ये कि भीड़ भाड़ या स्टेशन बस स्टैंड या मेला जहाँ पे आयोजन चल रहा है वहाँ पे भीड़ भाड़ इलाकों में जा करके जेब से मोबाइल को चुराते हैं। इनका अभी पूर्व में आपराधिक इतिहास देखा अभी जो है नहीं मिला है। एक खोराबार पे मुकदमा पंजीकृत है और एक कैंट पे लूट का मुकदमा पंजीकृत है। अभी इसके अलावा अन्य जो आपराधिक इतिहास है उसकी खोजबीन की जा रही है। गोरखपुर में ये गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत किराए का रूम लेकर रहते हैं। हाँ लगभग 34 मोबाइल के मतलब ट्रेस हुआ है जिनकी जानकारी पता चला है कि ये किसके मोबाइल हैं वो ट्रेस किया गया है। हाँ इन जो बरामदगी हुई है अभी तक इसके कुल लगभग कीमत 12 लाख रुपए के करीब है।